हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल 323 पोस्टों का। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस में बताया गया है कि पहले आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट होगा और डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट में रनिंग भी होगा। समझ गए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि क्या सर रनिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या चेक किए जाएंगे, फिजिकल जो स्टैंडर्ड है कितना हाइट, कितना वेट, कितना चेस्ट आप लोगों को बीएसएफ हेड कांस्टेबल 323 पोस्टों में लिया जाएगा, सारी जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट चेक होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को फर्स्ट फेज में चेक होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आप लोगों को नोटिस पे और दिखाते हैं आप लोगों को सारी जानकारी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में हाइट, वेट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट, क्या क्या तैयारी करवाना है, जाति प्रमाण पत्र किसका चाहिए, भारत सरकार का या आपके राज्य सरकार का या अनुमंडल का या आपके ब्लॉक का, सारी चीज़ हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा नोटिस पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो नोटिस है जब बीएसएफ हेड कांस्टेबल 323 पोस्टों का नोटिस आया था। तो चलिए दोस्तों, इसी नोटिस में सारा डाटा लिखा हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों को देते हैं सारी जानकारी। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वह 3 से 4 दिसंबर तक आ जाएगा। लगभग आप समझिए 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कभी भी आप लोगों का एडमिट कार्ड आ सकता है। और थर्ड वीक से आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को सीधा फिजिकल सेंटर से सारी जानकारी देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, क्या क्या लिया जा रहा है, सारी जानकारी हम आप लोगों को दिसंबर में सीधा फिजिकल सेंटर से लाइव देने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी जानकारी आप लोगों को छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एसटी 165 सेंटीमीटर, समझ गए। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए चेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और एसटी कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर हाइट और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट रखा गया है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, जनरल ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, मतलब 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ आप लोगों को 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट। और एसटी कैटेगरी को देख लीजिए, 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पर वजन की बात करें तो हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। समझ गए दोस्तों, ये रही आपका फिजिकल। अब दोस्तों बता दें कि इसमें आप लोगों का रनिंग नहीं होगा, समझ गए, आप लोगों का इसमें रनिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो भी स्टूडेंट एसटी यदि हाइट में छूट लेना चाहते हैं तो उसको रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को लगेगा, 10वीं पास 12वीं पास आप लोगों को। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है फिजिकल मेजरमेंट जो आप लोगों को फर्स्ट फेज में होने वाला है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें आप लोगों को देखिए सेफ्टी द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट और देखिए यहाँ पर किया गया है आप लोगों को किया जाएगा, मतलब हाइट और चेस्ट और वजन तीन चीज़ आप लोगों को केवल फिजिकल में मापा जाएगा, आप लोगों का रनिंग नहीं होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल 323 पोस्टों में। अब चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों को तैयारी करवाना है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को 10वीं का 12वीं का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है यह भारत सरकार का बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी और आप लोगों को केवल
मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, नया आप लोगों को ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट चेक होते समय। देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ बताई गई है और यही चीज़ आप लोगों को लेकर जाना है। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th और 12वीं का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोगों को इतना चीज़ डॉक्यूमेंट, मतलब फिजिकल में टेस्ट होगा। तो दोस्तों वैसे जब से शुरू होगा तो हम आप लोगों को फिजिकल सेंटर से लाइव बता ही देंगे, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसमें रनिंग नहीं है, केवल हाइट वेट चेस्ट है और डॉक्यूमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।